हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ शरत। आप देख रहे हैं स्मार्ट शरत टिप। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को मालूम है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली का प्रेडिक्शन और साथ ही साथ कोई भी शेयर में अच्छा न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज आता है उसको मैं लेके बात करता हूँ, और कोई न्यू IPO आता है उसका रिलेटेड भी बात करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, और मेरा अनदर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जरूर देखना IPO रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में आपको दिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, निफ्टी में उल्टा चाल चलना चालू कर रहा है। तो ये क्या रियलिटी में सही में उल्टा चाल चलाएगा कि ऐसा एक अफवाह है, वो हम लोग क्लियर करेंगे ये वीडियो में। और मेरा न्यू व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर लाइक किए तो नहीं तो लाइक भी कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग हो जाइए, जैसे कि मैं रोज़ आपको इंट्राडे का टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकेगा। फ्रेंड्स, मेरा डिस्क्लेमर है, ये मेरा एजुकेशनल प्रपोज चैनल में, इसमें मैं किसी को बाय सेल करने का सलाह नहीं देता हूँ। अगर आपने मेरा व्यू लेके काम करते हो, एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई भी कदम उठाइए। फ्रेंड्स, ये मेरा अपना व्यू है, एक बार आपका एनालिसिस करिए और उसके बाद कोई भी कदम उठाइए। तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे निफ्टी 30 तारीख मींस मंडे को क्या करेगा। पहले देख लेते हैं निफ्टी का क्लोजिंग किधर है। ना, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 11,512 रुपीज़ में, और हाई मारा है 5,593 और लो मारा है 11,499। आखिर में देखेंगे निफ्टी में कितना परसेंट का, कितना रुपीस गिरावट हुआ है, कितना पॉइंट, ना 58 पॉइंट का गिरावट है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो दो दिन में जितना बड़ा रैली आया था निफ्टी में, वो रैली कुछ नॉर्मल रैली नहीं था, एक न्यूज बेसिस रैली। आप देखेंगे जो जोर से बारिश आता है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, वो बारिश क्या करता है, एक दो दिन जोर जोर से बारिश करता है, बाद में थम जाता है और दूर दूर तक वो ऐसा बारिश नहीं आता है। जो स्लो मोशन बारिश रहते कंटिन्यू रहता है, ये बारिश का तो आपको मालूम होगा, मुंबई में अगर रहते होगे तो आपको मालूम होगा, जो बारिश आता है जोर से आता है तुरंत जाता है, अगर कंटिन्यू जो बारिश रहता है वो बारिश ज़्यादा दिन तक रहता है। निफ्टी ने यही हुआ है, निफ्टी ने दो दिन जो जबरदस्त दे दिया पॉइंट, वो पॉइंट ओनली न्यूज बेसिस था, ऐसा कुछ नहीं था जे निफ्टी को बढ़ना चाहिए था करके। जो रियलिटी में निफ्टी में देखा जाए तो 1000 की आसपास का जो पॉइंट बढ़ा है निफ्टी, उसमें निफ्टी को 50% कवर करना है नीचे तक आके, ये होगा ही, 50% कवर करना चाहिए निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी को चढ़ना है। एक टेम्पररी रैली आप बोल सकते हो, ओके, ये रैली टेम्पररी रह सकता है। सो फ्रेंड, ये जो आप देखते होगे लास्ट वीक्स में निफ्टी ने इतना बड़ा कुछ खास नहीं है, एक ही जगह में वो ऊपर नीचे हो रहा है, कंसोलिडेंस कर रहा है। अगर कोई भी शेयर कंसोलिडेंस कर ही रहे है, उसका मीनिंग क्या, इधर ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए न्यूज क्या है, ऊपर जाने के लिए क्या है हमारे पास, ऊपर जाने के लिए वर्ल्ड बेसिस में क्या ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निफ्टी को मेरी ख्याल से नीचे आना चाहिए, किधर तक आना चाहिए, ना 11,300 तक आना चाहिए, उसके बाद फिर उसको जंप करना है। जब तक 300 तक नहीं आता है तो निफ्टी में हम लोग बड़ा रैली नहीं देख पाएंगे। फिर अगर निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11,500 का लेवल एक बार नीचे आया था, क्लोजिंग 11,512 का ऊपर दिया बराबर है, बट वो तोड़ के आया, मीन्स क्या है, अगर कोई चीज़
आके वो लेवल टच करके फिर ऊपर उठता है, मीन्स क्या है ना, उसको नीचे आना है। देख लेना फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से निफ्टी को नीचे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और आई थिंक बढ़ेगा भी। ये मेरा व्यू है फ्रेंड्स, वो आपको आपका व्यू लेके काम करना है। मेरा व्यू कैसा है ना, निफ्टी अभी कैंडलस्टिक जो बनाया था 2 दिन का, वो कैंडलस्टिक को हाफ कम से कम तो कवर करना चाहिए, तभी हमको मूव मिलेगा। अगर हाफ कवर नहीं कर रहा है, अगर उधर से फिर बाउंस बैक करेगा, कल आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें क्लोज बाउंस बैक करेगा तो हम कैसे काम करेंगे ना। हमको तो काम करना है कभी ना 11,600 आना चाहिए, तभी हम लोग बाइंग में बैठना है, नहीं तो नहीं बैठना है। चाहे कितना भी होने दो ऊपर नीचे हम लोग नहीं बैठना है निफ्टी में। निफ्टी में कभी बैठना है हमको 11,600 का ऊपर 15 मिनट का क्लोजिंग तो चाहिए मिनिमम। और 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो निफ्टी 11,650 टच कर सकता है और 11,700 को हम लोग देख सकते हैं। ये कब हो सकता है, जब भी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा तो। अगर नीचे आने के लिए इजी रास्ता पड़ा है हमारे पास, निफ्टी को नीचे आने के लिए हमेशा वेलकम है। निफ्टी अभी क्या करेगा ना, निफ्टी को अगर नीचे आना है तो वो क्या करेगा, 500 लेवल तोड़ेगा। अगर निफ्टी 500 का लेवल तोड़ने का बाद हमको सेल में कभी बैठना है, हमको सेल में बैठना है 11,085 तक तो आने दो, 485 11,485 को अगर आके टच करके फिर ऊपर जा रहा है फिर आ रहा है तो हमको उसमें सेल साइड अपनाना है। तो कैसे सेल साइड लेंगे, को टारगेट क्या रखेंगे, हम लोग फर्स्ट टारगेट रखेंगे निफ्टी के लिए 450, उसके बाद 11,400। ये मंडे के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और आगे चल के फिर और ट्यूसडे का एक दिन हम लोग ट्रेडिंग सेशन है, और 19 को भी हम लोग का मार्केट ऑफ रहेगा क्योंकि गांधी जयंती है। तो वो हिसाब से प्लानिंग करना, कोई भी शेयर को कोई भी माल लेके नेक्स्ट डे के लिए मत जाओ अभी। ये मेरा व्यू है। अगर निफ्टी नीचे आया तो कब तक, कब अगर नीचे 400 को टच करने को आ रहा है तो और कितना आएगा, उसको आना है 11,300 डाउन होता है तो फिर आएगा 11,183। 11,183 को जैसे क्रॉस करेगा आप आँख बंद करके बैठ जाइए, 1,000 पॉइंट फिर मिलेगा आपको नीचे का साइड में। ये है मेरा निफ्टी का, निफ्टी में उल्टा चाल। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा निफ्टी का व्यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका सुझाव मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।